Subscribe to Filmfare and press the bell icon. जिंदगी में हम भले ही कभी ना मिल पाए, कम से कम इस नोटबुक में हम हमेशा साथ रहे। Different from the lot of movies जो अभी चल रही हैं, उससे तो बहुत ही different है, but beautiful, beautiful. Yeah. Both have done their best in the movie and they'll go a long way, both of them. Beg your pardon? Out of 5, 4. है बहुत different है कि किस तरह एक आर्मी ऑफिसर अपनी जॉब छोड़ के टीचर बन जाते हैं और टीचर बनने के बाद वो एक नोटबुक पढ़ते हैं, वो नोटबुक पढ़ने के बाद उनको उस इंसान से प्यार हो जाता है क्योंकि वो थॉट प्रोसेस इतना अच्छा लगता है उनको कि वही दिखाया गया कि लव इज़ बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी। खास नहीं लगी अच्छी, तो ये आर्ट फिल्म जैसी लग रही है, वो बॉलीवुड में जो तड़का रहता है मसाला उसमें कुछ भी नहीं है। कश्मीर की सीन थोड़ा ठीक है लेकिन वो ज़्यादा नहीं, एक का एक सीन बहुत बार दिखाया है, स्कूल का सीन जो है ना वो पानी के अंदर है, उससे बोर होता है। कहानी फिल्म की बहुत बड़ी USP है क्योंकि आज के ज़माने में, मतलब जब टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को इतना घेर रखा है, ये एक ऐसी कहानी है जो इन सबसे परे है और हमें ये कहती है कि इंसान का इंसान से जुड़ना ही सबसे बड़ी वजह है इस दुनिया के चलने का। बहुत ही अच्छी, मतलब देखकर एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि इनकी पहली फिल्म है। जिस मैच्योरिटी, जिस समझ के साथ इन्होंने फिल्म में परफॉर्म किया, क्योंकि फिल्म एक इमोशनल जर्नी है तो दोनों न्यू कमर्स ने हर बारीकी को समझा है और बहुत ही अच्छी तरह अपने किरदार निभाए हैं।